वो जो बहुजन समाज से आने वाला लड़का है वो अभी भी जेल में है, चबूतरा तो है उसको, वो गिरा नहीं, पुतला गिरा, लेकिन पुतला बनाने वाला खुला घूम रहा है। पुतला बनाने वाला जो है खुला घूम रहा है, चबूतरा बनाने वाला जेल में, जेल में है। मेरे प्रश्न जो है, मेरी समस्याएं जो है, मेरी आकांक्षाएं जो है, मेरी आशाएं जो है, वो ये सरकार पूरी करे, इसलिए मैं वोट देता हूं। मैं इसलिए नहीं वोट देता हूं कि मुझे भगवान के पास दौड़ना पड़े और उस पर उसकी याचना करनी पड़े। ये सरकार ने तो एक तरफ से कह दिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप सर भगवान की याचना करो, हम आपको 20,000 रुपए देंगे, आप तीर्थ यात्रा पे जाओ। संघ और भाजपा की जो सोच है कि एक महिला को एक पशु के स्तर पर लाके रखा है, दोनों को 1500 रुपए देंगे, और भाइयों को, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना है कि घरों में 21 साल की जो लड़की है वो शायद ग्रेजुएट है, वो शायद डिप्लोमा होल्डर है, शायद उसने 12वीं पास की है, लेकिन उसको 1500 मिलेंगे, उसी के भाई को सरकार 12,000 रुपए देगी। महाराष्ट्र चुनाव विशेष, वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले साहब के साथ। निरंजन साहब को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं और आज सिर्फ महाराष्ट्र की रणनीति, राजनीति और चुनाव पे चर्चा होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ब्रॉडली वहां तीन गठबंधन सामने उभर कर आ रहे हैं। पहला महायुति गठबंधन जो कि अभी सरकार चला रहा है, उसमें बीजेपी प्रमुख है, शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट, वो अभी मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार शरद यादव से टूट कर निकले हैं, वो भी है एनसीपी गुट, वो भी अभी फाइनेंस मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर हैं। इसके अलावा कई और छोटे छोटे दल भी उसमें हैं, मसलन प्रहर जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले। दूसरी तरफ कांग्रेस लेड अलायंस है महाविकास पलहाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब, मार्क्सिस्ट पार्टी, तमाम इस तरह के दल हैं। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर साहब का भी एक गठबंधन है, वंचित बहुजन अघाड़ी, उसमें भी कई छोटे छोटे दल शामिल हैं। तो मोटा मोटी तीन गठबंधन मुद्दे हैं अभी, खासतौर से मराठा आरक्षण, शिवाजी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, बाबा सिद्दीकी की अभी हत्या है उससे समझ सकते हैं, रोड रेज हुआ, महिला सुरक्षा का सवाल भी है, बेरोजगारी का सवाल तो है ही, ये तमाम ऐसे मसले वहां पर है। 288 सीट वहां पर है जिसमें से 33 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है और 14 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व। रीजन वाइज अगर आंकड़े हम देखें तो मुंबई में कुल 36 सीटें हैं, यहाँ पे महाविकास अघाड़ी मजबूत दिखती है। कोंकण वहां पे 39 सीटें हैं, सेना बनाम सेना, उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे। विदर्भ यहाँ पर कुल 62 सीटें हैं, बीजेपी के अपने ही बागी यहाँ पे काफी एक्टिव है। वेस्टर्न महाराष्ट्र पवाड़ों के घर में भीषण लड़ाई की संभावना है, कुल सीटें 58। उत्तर महाराष्ट्र भूगोल की अग्नि परीक्षा होगी, कुल सीटें 47। और मराठवाड़ा जहाँ की मराठा आरक्षण आंदोलन तेज, कुल सीटें 46। सीधे चलते हैं निरंजन साहब के पास और समझने की कोशिश करते हैं महाराष्ट्र का दलित आंदोलन, सोशल जो इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन क्या बनेगा, क्या क्या मुद्दे होंगे, ये तमाम पहलू को निरंजन साहब से समझते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद सर जी। जी अभी महाराष्ट्र के चुनाव है 20 नवंबर को, एक ही चरण में महाराष्ट्र में मतदान होना है और काफी सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही चरण में पूरे महाराष्ट्र के सारे 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होगी और तुरंत 3 दिन बाद 23 को नतीजे भी उसके आएंगे। तो जैसे आपने कहा कि ये दो गठबंधन तो प्रमुख है ही, महायुति का और महाविकास आघाड़ी का, लोकसभा चुनाव के बाद ये एक बहुत चर्चा संघ और भाजपा परिवार में थी कि अजित पवार को दरकिनार करना चाहिए, अजित पवार की वजह से नुकसान हुआ है, क्योंकि अजित पवार के खिलाफ बहुत आरोप लगाए गए थे, देवेंद्र फडणवीस से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी ने लगाए थे। 70,000 करोड़ का आरोप तो नरेंद्र मोदी ने जिस दिन भोपाल में लगाया उसके 5वें दिन उन्हीं अजित पवार को साथ में लेके उनके पास महाराष्ट्र के तिजोरी की चाबियां दे दी, उनको फाइनेंस मिनिस्टर तक बनाया गया।
तो ये सब हुआ और ये बहुत बड़ी चर्चा थी। तो ये कोशिश हो रही थी कि या तो अजीत पवार को दरकिनार कर दे और वो अलग से लड़े और वोट काटने की ही भूमिका निभाए, या अजीत पवार को कम से कम सीटें दे। ये कहा जा रहा था कि 20 सिर्फ सीटें अजीत पवार के गुट को हम देंगे और 260 सीटों पर मुख्य रूप से भाजपा और एकनाथ शिंदे का गुट लड़ेगा और बाकी छोटी 7-8 सीटें जो है वो रामदास आठवले का एक फैक्शन है उनको देंगे, या महादेव जानकर एक गुट है उनको कुछ सीटें देंगे। तो इस किस्म की बातें उन्होंने उस वक्त हो रही थी। अभी चुनाव घोषित होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन 22 को आएगा तब आचार संहिता जारी हो जाएगी, लेकिन अभी पता नहीं है कि अजित पवार इनके साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ते भी है या नहीं भी लड़ते हैं तो भी इनकी तरफ से, ये तीन नेताओं की तरफ से पूरे चुनाव में जो मुद्दे रखे जाएंगे वो मुद्दे खासकर ये जो अभी कुछ महीने पहले लाडली बहना नाम की लड़की बहन नाम से योजना लाई है जिसमें महाराष्ट्र में 21 से 60 उम्र के बीच में जितनी औरतें हैं जो जिनका मतलब इनकम लिमिट वगैरह रखा गया है, 1500 रुपया हर महीना दिया जाएगा, लाडले भाइयों को 8000 से लेके 12000 रुपए तक दिए जाएंगे, अगर उसने 12वीं पास की है तो 8000 रुपए, डिप्लोमा किया है तो 10000 रुपए, डिग्री अगर मिली है तो 12000 रुपए ये भाइयों को दिए जाएंगे। और तीर्थ यात्रा योजना लाई है महाराष्ट्र में, 1 करोड़ लोगों को अगर तीर्थ यात्रा पे जाना है तो सरकार उन्हें 20000 रुपया देगी। ये तीन मुद्दों के अलावा टोटल अमाउंट कितना हुआ सर? टोटल अमाउंट कुछ 80000 करोड़ के आसपास जाता है। 46000 करोड़ जो लाडली बहना के लिए लाया वो 46000 करोड़ का है, जिसका प्रावधान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट काटा गया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट काटा गया है, एससी एसटी के लिए जो बजेटरी प्रोविजंस रखी जाती थी उसमें कटौती की गई है और लाडली बहनाओं को 1500 रुपए का प्रावधान किया है। फिर गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र में। हम महाराष्ट्र में कहते थे कि महाराष्ट्र में राज माता एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, माँ जिजाऊ जिसे हम कहते हैं वही एक राजमाता है। अब इन्होंने गाय को राज्य माता बोला है और हर गाय को, महाराष्ट्र में जितनी गायें हैं हर गाय को सरकार हर महीना 1500 रुपया देगी। तो सरकार ने, भाजपा ने और संघ ने, गाय तो पैसा नहीं लेगी, पैसा तो आखिर कौन लेगा? जो रोड पे गाय टहलती है उसका पैसा कौन लेगा? तो इनके कार्यकर्ता लेंगे और कौन लेगा? इन्हीं के कार्यकर्ता लेंगे वो पैसे, जितनी ऐसी खुली छूटी हुई गायें हैं जो कूड़ा खाती है तो और क्या है? ये सरकार से कूड़ा खाएंगे कार्यकर्ता उनके। और लेकिन बात संघ की, देखिए संघ और भाजपा की जो सोच है कि एक महिला को एक पशु के स्तर पर लाके रखा है, दोनों को 1500 रुपए देंगे और भाइयों को, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना है कि घरों में 21 साल की जो लड़की है वो शायद ग्रेजुएट है, वो शायद डिप्लोमा होल्डर है, शायद उसने 12वीं पास की है, लेकिन उसको 1500 मिलेंगे, उसी के भाई को सरकार 12000 रुपए देगी, भाई को 12000, बहन को 1500 रुपया। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जिसकी वजह से नाराजगी भी बहुत है और इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं हुई है, किसी भी अर्जी की स्क्रूटिनी नहीं की गई है। अर्जी आई तो पैसा देना शुरू कर दिया। सोलापुर में एक फंक्शन हुआ था जहां अजित पवार ने किसान महिलाएं थी उनको पूछा कि क्या आपको पैसे मिले, तो एक औरत को उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने बोला कि हाँ मिल गए। बोले कितने मिले? 3000 रुपए मिले। पति क्या करते हैं? बोले खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हो? बोले गन्ने की खेती करते हैं। इस बार कितना गन्ना उगाया? तो उसने कहा 500 टन। अब सोचिए जो 500 टन गन्ना मतलब उगाता है या शुगर मिल को बेचता है, जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, उसकी बीबी को आप 1500 रुपया दे रहे हो। वो उसके घर में काम करने वाली औरत को शायद ज्यादा देती होगी, लेकिन आपने स्क्रूटिनी नहीं की, बस अर्जियां आते गए और पैसा बांटते गए। अब कहते हैं कि स्क्रूटिनी दिसंबर में होगी,
तो दिसंबर में स्क्रूटिनी होने के बाद वो पैसे आप क्या वापस लेने वाले हो उन लोगों से? दूसरी बात, ये पूरी लाडली बहना योजना महाराष्ट्र के एनुअल बजट में लाई गई 26 तारीख को, जब अजित पवार ये बजट पेश कर रहे थे विधानसभा में, उस वक्त बजट पेश करते वक्त इस योजना की अनाउंसमेंट उन्होंने की। उसी दिन 26 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में होर्डिंग्स लग गए लाडली बहना के, और उसी दिन 4 बजे, दोपहर को 4 बजे जीआरबी निकल गया। अब जो बजट सदन के भीतर पास भी नहीं हुआ है, उसका जीआर कैसे निकला? ये पूरा असंवैधानिक काम है, जिसके खिलाफ याचिका हो चुकी है। अगर अगर उच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक कहकर, गैर संवैधानिक कहकर इसे खारिज कर देता है, तो क्या महाराष्ट्र की हर औरत से आप 1500 रुपया निकालोगे वापस हर महीने का? दूसरी तरफ तीर्थ यात्रा के लिए 20,000, मतलब मैं वोट क्यों देता हूं कि मेरे प्रश्न जो है, मेरी समस्याएं जो है, मेरी आकांक्षाएं जो है, मेरी आशाएं जो है, वो ये सरकार पूरी करे, इसलिए मैं वोट देता हूं। मैं इसलिए नहीं वोट देता हूं कि मुझे भगवान के पास दौड़ना पड़े और उस पर उसकी याचना करनी पड़े। ये सरकार ने तो एक तरफ से कह दिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप सर भगवान की याचना करो, हम आपको 20,000 रुपए देंगे, आप तीर्थ यात्रा पे जाओ, और उसके लिए 20,000 करोड़। फिर गायों के लिए इस तरह से 1500। इसके अलावा सरकार के पास मुद्दा ही नहीं है। सोयाबीन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2014 में था, उससे कम 2024 में मिल रहा है, 10 सालों बाद। इन्फ्लेशन बढ़ा है, हर चीज की कीमतें बढ़ी है, सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ी है, उसके ऊपर जीएसटी भी आ चुका है। खाद के ऊपर जीएसटी आ गया है, फर्टिलाइजर के ऊपर सीड आ गया है, सीड्स के ऊपर आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी पर आप जीएसटी ले रहे हो, हर चीज पर आप जीएसटी ले रहे हो। उसी बहन की पर्स से 10 साल पैसे चुराए हैं, गैस सिलेंडर के नाम पे चुराए हैं, पेट्रोल के नाम पर चुराए है, दाल से लेके तेल तक हर चीज के नाम पर पैसा उससे चुराया है। अभी तो उसकी कीमतें भी बढ़ गई है, दिवाली के वक्त दिवाली आ रही है और हर चीज की कीमतें महाराष्ट्र में बढ़ गई है इसकी। तो इसके अलावा सरकार के पास मुद्दे नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, आज की खबर है मुंबई में जो कोस्टल रोड बनाने जा रहे हैं, उस कोस्टल रोड की कंसल्टेंसी फी, 1 किलोमीटर की कंसल्टेंसी फी 30 करोड़ रुपया सरकार ने दी है। जितना पैसा वो रास्ता बनाने के लिए नहीं लगता है, उससे ज्यादा 1 किलोमीटर के लिए 30 करोड़ की कंसल्टेंसी फी दी है। 6 रास्ते अनाउंस किए थे, 273 करोड़ रुपए को 1 रास्ता। मैं महाराष्ट्र में हर जगह जाके कह रहा हूं कि भारत के चांद्रयान को 615 करोड़ रुपए लगे थे चांद पे जाने के लिए, और ये सरकार 1 किलोमीटर पहुंचाने के लिए हमसे 273 करोड़ रुपया ले रही है, और उसके ऊपर टोल लगाएगी 10 साल 20 साल। फिर ये बंबई में टोल हटाने की घोषणा की कि बंबई में जितने वाहन आएंगे उनके ऊपर टोल नहीं लगेगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में तो टोल ले रहे हो। वो टोल का एक अलग माफिया यहां पर चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। तो सरकार के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, खेत कल्चर टू एग्रीकल्चर, लिटरली हर चीज के बारे में मुद्दे है, और लोगों में नाराजगी है। हर सेक्शन को इस सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ ना कुछ दुख पहुंचाया है, और माहौल, सामाजिक माहौल तो इतना खराब किया हुआ है। अभी एक लेटेस्ट, ये फॉरेन स्टडी के लिए महाराष्ट्र सरकार SC ST स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती थी। अगर आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना है या हार्वर्ड में पढ़ना है, तो उस हायर एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 70 सालों में ये स्कॉलरशिप दी जा रही थी। इस बार पहली बार एनेक्शर्स में सरकार ने उसमें क्रीमी लेयर की कंडीशन लाके रख दी है, उसके भीतर क्रीमी लेयर लाके रखा है। तो एक तरह से इस पूरे समुदाय को हायर एजुकेशन से वंचित रखना, हर घोषणा से इनकी सोच, वो मनुवादी सोच वो दिखा रहे हैं।
और अब इसका एहसास हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो गिर गया, वो गिरने के बाद जो तस्वीरें आई, उस फूटे हुए पुतले की जो तस्वीरें आई, वो पुतला खोखला था, ब्रांस का सिर्फ पतरा लगाया हुआ था, अंदर से पूरा फैब्रिकेशन था। और उस आरोपी का, वो जो शिल्पकार है उसका, वो जयदीप गोगटे नाम का ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है, उसके खिलाफ इस सरकार ने एफआईआर जो दर्ज की, वो चार्जशीट में उसके खिलाफ सदोष मनुष्य वध का क्राइम रजिस्टर किया, कल्पेबल होमिसाइड। अब किसी भी इंसान की वहां पर मौत तो हुई नहीं है, जानबूझ के वो छूट जाए ऐसा प्रावधान किया गया, कल्पेबल होमिसाइड का इल्जाम लगा दिया, 20 मिनट में उसको जमानत मिल गई। और जिसने वो चबूतरा बनाया था पत्थर का, 7 फीट ऊंचाई का चबूतरा, अनिल पाटिल नाम के लड़के ने बनाया था, उसको सिर्फ पूछा था कि इस साइज का ऐसा ऐसा एक चबूतरा बनाना है, कितना पैसा लगेगा, वो बोला आपको 1,60,000 रुपए लगेंगे, उसको कैश में दे दिया, उसने बनाया, वो चबूतरा तो है वहां पर, लेकिन वो अभी भी जेल में है। वो जो बहुजन समाज से आने वाला लड़का है वो अभी भी जेल में है, चबूतरा तो है उसको, वो गिरा नहीं, पुतला गिरा, लेकिन पुतला बनाने वाला खुला घूम रहा है। पुतला बनाने वाला जो है खुला घूम रहा है, चबूतरा बनाने वाला जेल में, जेल में है। ये बदलापुर में जो घटना हुई थी, वो जो स्कूल चलाने वाला संस्थापक था आपटे नाम का, उसका भी नाम आपटे ही था, ये जयदीप आपटे पुतला बनाने वाला था, ये स्कूल वाला जो है वो भी आपटे था राहुल, ये भी संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ है। उसके स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ कई दिन दुष्कर्म किया जाता है, वो 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज वो आपटे डिलीट कर देता है उसके रिकॉर्डर से, वो आपटे आज तक फरार है। और वहां के जो सिपाही था, जो प्यून था उस स्कूल का, अक्षय शिंदे नाम का, उस प्यून को पुलिस जेल से लेके जाते वक्त वैन के भीतर उसका एनकाउंटर कर देती है, और झूठ कह के कहती है कि वो बाजू वाले पुलिस अफसर की जेब होल्स्टर से उसने पिस्टल निकाली, उसके ऊपर बुरखा डाला हुआ था, उसको पता भी नहीं कि बाजू में बैठे हुए अफसर के राइट साइड में पिस्टल लगी है या लेफ्ट में लगी है, वो पिस्टल है या रिवॉल्वर है वो देख भी नहीं पा रहा है, उसके बाव हाथ में हथकड़िया है, उसके बावजूद उसने उसका होल्स्टर खोला, अनलॉक किया, अनबकल किया, अंदर से जो भी वेपन है वो निकाला, वो देखा वो पिस्टल है या रिवॉल्वर है, उसको अनलॉक किया, उसको लोड किया और उसने फायर किया। और तब तक ये उसके साथ जो 5 पुलिस वाले थे वो क्या कर रहे थे जब ये सब कर रहा था वो, लेकिन उसकी हत्या की गई, क्योंकि एलिगेशन ये है कि वहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रैकेट चलाया जा रहा था उस स्कूल में, और वो चलाने वाला जो संघ भाजपा से जुड़ा हुआ आपटे है वो आज भी फरार है। लातूर में, जहां विलासराव देशमुख का शहर है, लातूर जैसे शहर में औसा में 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद भी वो दुष्कर्म किया गया, क्या ये लाडली बहनाएं नहीं थी? बदलापुर की लड़की लाडली बहना नहीं थी? रत्नागिरी में 19 साल की लड़की, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो लाडली बहना नहीं थी? तो ये मुद्दे लोगों को समझ में आ रहे हैं, और महाराष्ट्र की अपनी एक विरासत है जिसका हमें बहुत गर्व है, जो शाहू महाराज की विरासत है, जो महात्मा फुले की है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है, बहुत गर्व है हमें इस बात का। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस किस्म की सरकार दोबारा यहाँ पर चुन के आए, और लोग भी जवाब देंगे इसका। निरंजन साहब, आपने स्कॉलरशिप की बात की कि वो खत्म कर दिया गया है, तो इसका दलित समाज और पॉलिटिकल क्लास से क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, ये शायद 24 घंटे पहले ये पता चला है, और हम सब जानते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया इसे छुपा के रखता है, मेनस्ट्रीम मीडिया इसे दबा के रखता है, ये उनके जीआर तो वेबसाइट पे है, और जीआर पर ये कुछ समझ में नहीं आता है, वो जीआर के साथ उसके एनेक्सेस जब आप डाउनलोड करते हो तब पता चलता है कि इसमें क्रीमी लेयर लाके रखी है। और दलित समुदाय के जो स्टूडेंट्स है, बेहतरीन स्टूडेंट्स,
उनको इस हायर एजुकेशन से वंचित रखा जाएगा। आज महाराष्ट्र में सिचुएशन ये है, मैं नासिक में आता हूँ, नासिक में ओपन यूनिवर्सिटी है, नासिक की ओपन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले 64% स्टूडेंट्स ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। इतनी इतनी आग है, इतनी फायर इन द बेली जो हम कहते हैं कि हमको पढ़ना है, हमको एक्सेल करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बेहतरीन पढ़ना है। ये जो एक महाराष्ट्र में ये जो विरासत बनी हुई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है ये महाराष्ट्र को, और उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। जैसे मैंने लोया किताब के बारे में बोला था कि मैं वो फ्रीशिप का मुद्दा लेकर उन बच्चों से मिलने गया था, ये 70 सालों से उनको, 70 सालों से उनको ये फ्रीशिप मिल रही थी। मेडिकल कॉलेज के बच्चों को एमडी करने के लिए 72,000 रुपए महीना मिल रहा था, 2014 से इस सरकार ने बंद कर दिया। और सिर्फ एमडी करने वाले लड़के नहीं। सवाल निरंजन साहब ये है कि महाराज सामाजिक क्रांति की धरती रहा है ना, महात्मा फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक पूरी एक परंपरा है, साहू जी महाराज तमाम लोग जी, ये सारी घटनाएं हो रही है और इतना वाइब्रेंट दलित सोसाइटी है वहां पर कि इन मुद्दों को लेकर, चाहे महिलाओं का ही मुद्दा हो, चाहे इन मुद्दों को लेकर क्या उस समाज की तरफ से वाइब्रेशन, कुछ मूवमेंट, कोई एजिटेशन सामने नहीं आ रहा? अभी तक एजिटेशन या प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 24 घंटे ही हुए हैं कि ये इसकी जानकारी मिली है। जब इसके एनेक्सस डाउनलोड किए थे मैंने कल, तब पता चला। एनेक्सस में जैसे हम कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो वो डिटेलिंग में ये राक्षस वहां पे रखा हुआ है इन लोगों ने। अब इसका हर के क्रीमी लेयर की कंडीशन रहेगी अगर आपको हायर एजुकेशन जाना है तो। इतना पैसा क्रीमी लेयर? 5 लाख रुपए बस। तो 5 लाख में क्रीमी लेयर होगा, 5 लाख के ऊपर सब क्रीमी लेयर, और ईडब्ल्यूएस 8 लाख। हाँ, ईडब्ल्यूएस 8 लाख, मतलब ये खत्म ही हो गया एक तरीके से, खत्म ही हो गया, खत्म ही हो गया है। तो ये सारे मुद्दे हैं, एक मराठा आंदोलन का भी, आरक्षण का भी चल रहा है जी, जी। सवाल ये है कि निरंजन साहब, विपक्षी दल, देखिए राजनीति के बहुत माहिर शरद पवार माने जाते हैं, इस युग के कड़ी है, इस जनरेशन के चाणक्य समझे जाते हैं, तीर तो उनको भी लगी, अजीत पवार को तोड़ लिया गया। क्या इन मुद्दों को, जितना आप कह रहे हैं विभत्स महिलाओं के खिलाफ वहां पे जो हो रहा है, ये सब आरोपी फरार है, गलत आदमी को इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, क्या विपक्ष एग्रेसिवली इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाके, एग्रेसिवली कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं, जनता के बीच विपक्ष इन मुद्दों को लेके जाएगा, और नहीं जाता है तो हम जैसे लोग मजबूर करेंगे। हम इनको हर हर प्रेस वार्ता में हम इनसे सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, इस स्कॉलरशिप के बारे में, क्रिमी लेयर के बारे में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है, ये सवाल हम उठाएंगे। ये महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम उठाएंगे। हम हमारी भी माँ बहनें हैं, हमें उनकी भी तो फिक्र है जी, तो ये सवाल जरूर उठाएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच दौरान मैंने पूरे महाराष्ट्र में करीब 66 सभाएं की थी, और विधानसभा में भी मैं घूमूंगा, विधानसभा में भी हर चौराहे पर, जहां जहां बात करने का मौका मिलेगा, हर जगह पे ये मुद्दे उठाएंगे। लोगों को जागरूक, जरूर जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए, लोगों को जागरूक करना ही हमारा कर्तव्य है, और यही तो विरासत है। महात्मा फुले भी लोगों को जागरूक ही कर रहे थे जी। और इसका महत्व है, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है, लोग इसके बारे में ना जाने, ये कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, तो हमें इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए आप, सामने आप एनेक्चर तो निकाला ना, उतना छोटा सा मुझे दे दीजिए। आज मैं ट्विटर और फेसबुक पे इसको डालता हूँ कि चुनाव से पहले SC ST को तोहफा, स्कॉलरशिप में लगा 5 लाख जी जी, जी मैं डालता हूँ जी, जरूर। आप भी महाराष्ट्र में आते ही, आप नागपुर जाने वाले हो, आप वहां बोलूंगा इसके बारे में जी, जी बोलूंगा जी। तो मिला जुला के जो सोशल इक्वेशन बन रहा, देखिए आक्रोश तो है, आक्रोश को वोट में कन्वर्ट करना ये एक बड़ी कला होती है, मतलब ऐसी नहीं होता है आक्रोश को। जैसे आपने हरियाणा के चुनाव में देखा, ईवीएम का तो मसला है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं हो पाया, बहुत 0.6% से हार गया विपक्ष जी। जी महाराष्ट्र में देखिए, फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि योगेंद्र यादव की जो भारत जोड़ो अभियान है,
तो योगेंद्र यादव के उस अभियान में महाराष्ट्र के करीब 292 सामाजिक संगठन जुड़ चुके हैं, और अच्छा वो अभियान की तरफ से अलग से एक कैंपेन हो रही है जो लोकसभा के दौरान भी की थी, अभी भी वो होगी, तो वो भी एक कैंपेन चलेगी। तो ये अभियान की तरफ से हम बूथ लगाएंगे। राजकीय कार्यकर्ता जो है राजनीतिक पार्टियों के, वो बूथ लगाने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको नेतागिरी करने में इंटरेस्ट है। तो हम हाँ, ये और ये सच है, तो हम बूथ लगाएंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद पहरे दिए थे वेयर हाउसेस के बाहर कि मशीन बदले ना जाए, तो इस बार पहरे भी दिए जाएंगे। फॉर्चुनेटली इस बार 3 दिन का ही समय है, 20 को वोटिंग खत्म होगी और 20 17 C का भी ट्रेनिंग देना। 17 सी का भी ट्रेनिंग देना है। वो ट्रेनिंग कैंप्स हो चुके हैं और फॉर्चुनेटली वो तीनों पार्टियों ने किए हैं, अच्छा मतलब चलिए, बहुत बढ़िया। कांग्रेस ने भी ट्रेनिंग कैंप करवाए हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ने भी करवाए हैं, शरद पवार जी के एनसीपी ने भी वो ट्रेनिंग कैंप्स करवाए हैं। तो अभी 17 सीन का महत्व बहुत समझ में आया है, खासकर हरियाणा चुनाव के बाद तो आ ही गया है। लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने सीरीज ऑफ एपिसोड चलाए थे 17 C पे, लेकिन हम लोग जी कम लोग सुनते हैं और नेता लोग कहने भी लेते, नेता लोग बात समझे नहीं कि हम लोग कह क्या रहे हैं। और हमने तो ये हाँ भी कहा था कि 17 C जैसे ही बूथ बंद हुआ, वोटिंग सब जगह व्हाट्सएप पे इकट्ठा करा के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, यहाँ पे इतना वोट पड़ा है, टोटल वोट इतना है, इसको ये आंकड़ा जी आप जी जारी कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। जी तो ये तो मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का आंकड़ा दूसरे दिन मतलब कैंडिडेट की तरफ से अनाउंस किया जाएगा कि इतने फाइनल जी का यहाँ पर पोलिंग हुआ है, तो उसमें वो भी एक थोड़ी सी मेरी दबाव। दिलचस्पी दलित राजनीति को लेकर है। मैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जाता हूँ, जी अठावले बीजेपी के साथ हैं, कुछ बोलेंगे ही नहीं, प्रकाश अंबेडकर अलग मोर्चा है। आखिर दलित सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? इतने सारे इश्यूज हैं, स्कॉलरशिप खत्म हो गया, मेडिकल छात्रों को जो फेलोशिप मिलता था वो खत्म हो गया, रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन की वजह से खत्म है, सोसाइटी क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है? जी ये सिर्फ देखिए, अपने जातियों के हिसाब से वोट करेगा। नहीं, बहुत दुख की बात है कि उन मतलब इस समुदाय में एक बेहतरीन लीडरशिप बनी ही नहीं। हम वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 2029 के कैंडिडेट आप समुदाय के भीतर आज तय करो कि 2029 के कैंडिडेट हमारे कौन होंगे। उन पढ़े लिखे बच्चों को आइडेंटिफाई करो, उनको 5 साल लगातार वो ट्रेन भी होंगे, उन्होंने सामाजिक मुद्दों के ऊपर आंदोलन भी करने हैं और पूरा समाज उनको सपोर्ट करेगा, और तब जाके 5 साल के बाद आप चुनाव लड़ो और देखो रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ऑटोमेटिकली बढ़ेगा जब एजेंडे भी आगे जाएंगे, एजेंडा भी जाएगा। और वो जो नेता बनेगा उसको इस बात का एहसास रहेगा कि मुझे बनाने में समाज की पूरी भूमिका और योगदान रहा है। जी जी तो जी अब मैं मतलब सत्ता आने के बाद या पद मिलने के बाद, विधायक बनने के बाद या सांसद बनने के बाद, मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये मुझे बना सकते हैं तो बिगाड़ेंगे भी, एकदम तो उसकी भी कमिटमेंट बनी रहेगी दूसरी ओर से। तो ये करना चाहिए, और वो 29 की तैयारी हम आज शुरू करेंगे। ये हम जी मुस्लिम जी समुदाय के बीच में भी जाके कह रहे हैं और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज ST में भी जाकर कह रहे हैं। ठीक है निरंजन साहब, बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, और जल्दी जरूर मैं जरूर महाराष्ट्र में होगा, आपसे मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ। जी दोस्तों सर, निरंजन बहुत साहब थे, शुक्रिया, और सबसे बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण खबर, आज आप मुझे वो कागज भेज दीजिएगा, आज ही इस पे थोड़ा सा एक मैं जो है ना बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। और दोस्तों पूरा जी वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।